दोस्तों आज आपको जी प्रोफाइल जो होता है पल्लों में, किचन में, वार्डरोब में लगते हैं जो जी प्रोफाइल, उसको कैसे लगाते हैं ये बताएंगे। ये खांचे वाला जी प्रोफाइल है, इसको ये फिटिंग होने के बाद का वीडियो है। और अभी जो हम दिखा दे रहे हैं कि आप समझ जाएं कि ये जी प्रोफाइल कैसी होती है और कैसे बीच में खांचा बना होता है। जो जी प्रोफाइल है इसमें खांचा बना हुआ है, इसकी सारी बातें आपको बताएँगे, कैसे लगाते हैं, क्या यूज़ होता है इसका और आसानी होती है क्या है, कैसे आप आसानी से लगा सकते हैं। इसमें देखिए बीच में खांचा बना हुआ है और आगे से अगर हम इंची टेप से नापते हैं तो ये आगे से 250 छोटा होता है। इंची टेप आपको लगा के दिखाते हैं, देखिए तो आगे से जो खांचा बना है हमारा वो लगभग 250 से 300 पे आता है। लगभग 250 पे हमारा खांचा आता है क्योंकि आगे जो एक पत्ती है वो थोड़ी सी टी टाइप में मुड़ी हुई है एल शेप में, तो वो आगे की माइका पर फंस जाता है। तो अभी हम सबसे पहले आप जो अलग एक लकड़ी ले लीजिए, पल्ले में डायरेक्ट जो है खांचा ना बनाइएगा। तो पहले नाप के एक जो ठिया होता है ये देखिए आप रखेंगे आपको, तो ये ऊपर से उभरा हुआ तो ये बोर्ड के अंदर ही चला जाएगा लकड़ी के अंदर। तो ये कैसे जाएगा ये सारी बातें आपको हम बताएंगे, तो देखते रहिए हमारी वीडियो को अंत तक, इसमें सारी बातें आपको बताएंगे। देखिए पूरा ये जी प्रोफाइल है, इसमें खांचा दिया हुआ है, बहुत ही आराम से आपको सरलता से बताएंगे जिसमें आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए, और कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमें बता दीजिए। देखिए यहाँ पर 250 पे हमने एक ठिया बांध दिया है ब्लेड को नापने से, ये देखिए पूरा 250 पे हमने बांधा है। और ब्लेड जो है हमारी, अगर आपकी ब्लेड थोड़ी सी पतली है तो आप उसमें थोड़ा सा बराव बनाकर भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल जो ब्लेड होती है वो लगभग 1 सूत की होती है, तो उससे आपका खांचा आराम से बन जाता है। तो अभी हम ये पहले एक नॉर्मल पट्टा लेते हैं, इसमें सनमाइका लगी हुई है आगे साइड भी और पीछे साइड भी। तो आगे जो कलर वाली माइका है उधर की तरफ से हम निशान लगाते हैं, तो उधर से मशीन चला रहे हैं अब ये। और मशीन की जो वॉइस वगैरह है, आवाज़ वगैरह, तो वहाँ काफ़ी तेज़ी से था तो हमने वहाँ की आवाज़ बंद कर दी है। और ये देखिए पीछे से आराम से खांचा निकलता चला गया है, और इसको हमने खांचा बना लिया है, आधे बनाया खांचा क्योंकि हमें पूरे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जी प्रोफाइल का जो टुकड़ा है वो अभी हमारा छोटा है। ये देखिए हम इसको आराम से मार के देख लेते हैं इसमें फंसा के, ये आसानी से फंस जा रहा है और आगे से फिट हो रहा है। अगर आगे अगर झीरी वीरी रहती है तो आप इसको जो ठिया है आपका मतलब वो गलत बंधा होगा। ये देखिए ये पूरा आगे से बिल्कुल फिट आ रहा है। अब इसको एक तरह से कि सैंपल के तौर पर एक मिनट ट्राई मार सकते हैं, आप किसी अलग बोर्ड पर ट्राई कर सकते हैं, इससे ये रहेगा कि आपका जो पल्ला है वो ख़राब नहीं होगा। अब बात करते हैं इसी तरह पल्ले की। पल्ले पर हमने पहले अचबन जो है वो चिपका ली है। अचबन चिपकाने के बाद क्योंकि हल्का सा जो पीछे झीरी रहती है जिससे कि फिर लकड़ी दिखेगी, इसलिए आप अजमेंट लगाने के बाद ही इसको मारिए आगे से। अब सीधे हम पल्ले में मार रहे हैं, ये हमारा पल्ला है इसी का, इसको हम टांग कर भी दिखाएंगे कैसे टांगते हैं। और पूरा पल्ला मिलाने के बाद में इसी के नाप का हम काट लेते हैं। इसकी जो लंबाई है जी प्रोफाइल की वो लगभग 1 इंची 3 सूत की है, तो हम 1 इंची 3 सूत पल्ले को काटने के बाद में इसमें जी प्रोफाइल लगाते हैं। अब इसमें पूरा खांचा कट गया है, और इसको लगाते कैसे हैं ये भी हम आपको बताएंगे कि इसको रोकना कैसे है, क्योंकि इसमें पेस्ट तो लगा नहीं है, इसमें खांचे पर ही फिट होता है। ये पूरी लेंथ आती है जी प्रोफाइल की, 10 कोई कोई 10 फिट रहता है, कोई 6 फिट रहता है, कोई कोई 12 फिट रहता है। हमारी जो जी प्रोफाइल थी वो 10 फिट की थी, तो हमने उसको बीच से हाफ कर दिया है 5-5 फिट पे। और ये देखिए एक तरफ से हम बराबर कर लेते हैं, पूरा एक तरफ से बराबर हो जाएगा और दूसरी तरफ से पूरा क्लियर एकदम फिनिशिंग में दिखाई देगा आपको, पूरा क्लियर है, कहीं भी कोई गंदगी नहीं है, कहीं भी कुछ भी माइके का टुकड़ा मतलब टूटा नहीं है कुछ भी। और यहाँ पे बिल्कुल एकदम निशान लगाने के बाद में इसको काटते हैं हम, और इसको ज़्यादा तेज़ी से नहीं मारना। अगर बहुत टाइट घुस रहा है तो आपको ब्लेड में जो है थोड़ा सा बराव बनाने की ज़रूरत होगी, या फिर आप अगर आपकी चौसी थोड़ी सी पतली है तो आप उससे भी थोड़ा सा बना सकते हैं, छेद बड़ा कर सकते हैं। बाकी हमने गुनिया से निशान लगाने के बाद में बिल्कुल सीधा कटें जिससे कि पल्ला जो है वो परफेक्ट सामने से दिखना चाहिए। तो अभी हम इसको आरी ब्लेड से काटेंगे, अगर आपके पास मशीन है तो मशीन से भी काट सकते हैं, लेकिन मशीन में हमने काट के देखा था तो उससे परफेक्ट कट नहीं पा रहा था, क्योंकि ये थोड़ा जो इसकी रॉड वगैरह है वो थोड़ी हार्ड है, तो हमने स्किप किया है थोड़ा वीडियो को और जल्दी से काट के दिखाया है। तो ये सीधा काटने के बाद में अब इसको जो है हम जो जाम करेंगे वो गम से गम जाम करेंगे, उसके बाद फिर से ट्राई कर देते हैं, लगा देते हैं ये फिट है कि नहीं। अगर थोड़ा सा आगे पीछे निकला होता है तो आप इसमें रेती का यूज़ कर सकते हैं, भर्रा रेत वगैरह मार सकते हैं उससे कि जो है कि हल्का फुल्का जो होगा वो बराबर हो जाएगा। अब इसको निकालते हैं, निकालने के बाद इसमें जो है हम फेविकोल का नॉर्मल फेविकोल जो होता है जिससे माइका में चिपकाते हैं, वह फेविकोल को इसके अंदर भर देंगे। इसके अंदर पूरे खांचे में हमको फेविकोल भरना है,
और फेविकोल प्रोसेस में अगर पीछे कुछ फेविकोल वगैरह लगता है तो आप उसको साफ़ कर लीजिएगा और पूरा माइके के टुकड़े से ही अंदर तक की पूरा उसको भर दीजिएगा। इससे ये रहेगा कि ये एकदम परफेक्ट जाम हो जाएगा और कभी भी फ्यूचर में निकलने के लिए पूरा एकदम जाम हो जाएगा, कभी निकलेगा नहीं। इससे ये फ़ायदा होता है कि जैसे कि देखने में एकदम आपको खूबसूरत लगता है, पूरा गोल्डन कलर में है, पूरे पल्ले में ही जी प्रोफाइल लग जाता है। ये देखिए पूरा अंदर तक दबा दे रहे हैं हम फेविकोल को, माइके के नॉर्मल टुकड़े से ही काम हो जाता है, तो इसको पूरा अंदर तक के दबा देंगे। कि ये इस वीडियो को थोड़ा स्किप कम कर रहे हैं हम, क्योंकि आप आसानी से देख लें कि फेविकोल कैसे लगाया जाता है, और जिससे कि अगर फेविकोल कहीं छूट जाएगा तो वो वहाँ पर ढीला हो जाएगा। थोड़ा सा स्किप करके उसको लगाते हैं हम, इसको आराम से उसी में उसी खाँचे में बैठ जाएगा। हल्का सा ठोकना पड़ेगा, वो हाथ से ही ठोक लीजिए। अगर थोड़ा ज़्यादा है तो आप हथौड़ी का यूज़ भी कर सकते हैं, बोर्ड वगैरह ऊपर रखकर, जिससे कि निशान ना आए। बाकी साइड से हल्का हल्का खिसका देते हैं, और बिल्कुल बराबर होने के बाद में हम इसमें जो है जैसे सनमाइका चिपकाते हैं सेम वैसे ही इसमें टेप मार देंगे। और नॉर्मल टेप मारना है हमें, मास्किंग टेप होगा, अभी हम मारकर आपको दिखाते हैं। ये पूरा बैठा लीजिए, पूरा देख लीजिए कहीं से टेपर वगैरह ना हो, पूरा सही से बैठा हो पीछे से। उसके बाद ना हम इसमें टेपिंग कर देंगे, टेपिंग पूरा नीचे से ले लीजिएगा, पीछे से पूरा नीचे से, जिसमें कि अगर कहीं से उठा भी हुआ है आपका जी प्रोफाइल तो आराम से बैठ जाए। दोस्तों गोल्डन कलर का जी प्रोफाइल यूज़ किया हमने। इसके अलावा दोस्तों और भी कोई वीडियो हो जो जिस पर आप वीडियो चाहते हैं कारपेंटर से रिलेटेड, वुड वर्किंग से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में हम बता सकते हैं। जैसे कि हिंचेज कैसे लगाते हैं, अलबिहारी कब्जा उसके बारे में, हाइड्रोलिक कब्जे दोनों में अंतर बताइए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप अगली वीडियो किस चीज़ पर चाहते हैं, जैसे प्राइस मेज़र हो गया कोई भी चीज़। तो अब इसको हम इसमें कब्जे से टांग देंगे और पल्ला आपको चला के दिखाएंगे, बिल्कुल फिनिशिंग से पल्ला चलेगा आपका। यह हाइड्रोलिक हिंचेज इसमें लगाए गए हैं जो ऑटोमेटिक सॉफ्ट क्लोज हैं, वो अपने आप बंद हो जाते हैं, देखिए। और ये बिल्कुल परफेक्ट से लग गया है। अब ये बहुत ज़्यादा 4 से 5 घंटे के अंदर हल्का फुल्का सूख जाएगा, तो आप इसको उठा भी सकते हैं यहाँ से। बाकी ये इतना टाइट आराम से घुसता है कि आप अगर हल्का फुल्का उसमें यूज़ भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए आराम से जी प्रोफाइल लग गया है। काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि अगली वीडियो बनाइए, तो हम जल्दी और भी वीडियो लाते रहेंगे इसी तरह की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और भी इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए, देखिए। और अब हम इसको पूरा फिनिशिंग करके दिखाते हैं कि ये हमारा फिनिश हो गया। जी प्रोफाइल पूरा ऊपर ड्रॉर है और ड्रॉर के नीचे पल्ले हैं, सभी में जी प्रोफाइल का यूज़ किया गया है। और ऊपर की जो जी प्रोफाइल है वो भी हम अभी खोल के दिखाते हैं आपको, कैसे परफेक्ट खुलती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। बाकी हाँ ये है कि इसमें लेबर जो है वो ज़्यादा लग जाती है आपकी, अगर आप हैंडल लगाते हैं वो उसमें कम समय लगता है, और जी प्रोफाइल में थोड़ा समय ज़्यादा खाता है, काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। अगर आप समय की बचत करना चाहते हैं तो आप जी प्रोफाइल का यूज़ ना करिए, क्योंकि इसमें समय लगता है। और अगर आपको देखने में अच्छा लगता है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और थैंक यू दोस्तों सब्सक्राइब कर लिए हमारे चैनल को, इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू।